दीपावली के दौरान पंडालों में मां लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमाओं के पूजन के उपरांत विसर्जन का सिलसिला मंगलवार से शुरू हो गया। शहर के राजघाट नदी किनारे बने कृत्रिम पोखरों में मूर्तियों का विसर्जन किया जा रहा है। लोग नाचते गाते मूर्तियां लेकर राजघाट स्थित कृत्रिम तालाब में विसर्जन करने के लिए ले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नदियों ने मूर्ति न विसर्जन हो इसके लिए प्रशासन ने 3 कृत्रिम तालाब बनवाया है जहाँ पर मूर्तियों को विसर्जित किया जा रहा है। इस दौरान पुलिस और जिला प्रशासन सुरक्षा के लिए तालाबों के आसपास निरीक्षण करने के साथ मौके पर मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए एसपी नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे ने कहा, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इन तालाबों में पानी भरा गया है। नगर निगम की ओर से साफ सफाई की गई है। नगर निगम और राजस्व के कर्मी मौजूद हैं। पुलिस बल की भी ड्यूटी लगाई गई है। आज और कल दो दिवसों पर जो विसर्जन होने की संभावना है, ये सकुशल संपन्न हो इसका प्रयास सभी सरकारी जो है विभागों द्वारा किया जा रहा है।